तो हेलो दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हफीज और आप देख रहे हैं गपशप विद हफीज। तो दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा जो भाई 11 अगस्त को सिनेमाघरों में लगने वाली है, इसका इंतज़ार काफ़ी लोग बेसब्री से कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कई सारे लोग हैं जो इस फिल्म को OTT पर देखना चाहते हैं और ये फिल्म का इंतज़ार OTT पर आने के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को OTT पर आने का इंतज़ार ना करें। भाई 11 अगस्त को ये फिल्म सिनेमाघरों में लगने जा रही है, भाई थोड़ा सा कदम उठाएं, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर ही एक्सपीरियंस करें। एंड अगर आप इस फिल्म का आने का इंतज़ार कर रहे हैं OTT पर, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट बाहर निकल कर आई है। और दोस्तों, जो अपडेट बाहर निकल कर आई है, सबसे पहली अपडेट कि लाल सिंह चड्ढा किस OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा वोट ऐप पर, यानी कि वोट सेलेक्ट ऐप पर स्ट्रीम होगी। और दोस्तों, जो रिलीज डेट अपडेट बाहर निकल कर आई है, वो इसकी रिलीज डेट है इसके थिएटरिकल रिलीज होने के 6 महीने बाद। जी हाँ दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा थिएटरिकल रिलीज के 6 महीने बाद हमें वोट सेलेक्ट ऐप पे देखने को मिलेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म हमें 11 फरवरी या उसके बाद देखने को वोट सेलेक्ट ऐप पर मिलेगी। लेकिन मैं आप सबसे यही रिकमेंड करूंगा कि भाई लाल सिंह चड्ढा बड़े पर्दे का एक्सपीरियंस है, इसको बड़े पर्दे पर एक्सपीरियंस करिए, इसको फील करिए, महसूस करिए एंड तभी जज करिए ये फिल्म कैसी होने वाली है। एंड फालतू के रिव्यूअर्स एंड फालतू के क्रिटिसिज्म पर इस मूवी को जज ना करें। फिलहाल दोस्तों, वोट सेलेक्ट ऐप पे 6 महीने बाद, थिएटरिकल रिलीज के 6 महीने बाद लाल सिंह चड्ढा आ जाएगी, तब आप इसे देख सकते हैं। लेकिन 6 महीना काफ़ी दिन होता है, तो यही रिकमेंडेशन है कि आप इस फिल्म को थिएटर्स में ही जाकर देखें। फिलहाल दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट लाल सिंह चड्ढा के OTT प्लेटफॉर्म एंड OTT रिलीज डेट को लेकर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।